Hi everyone, welcome back to my channel Sati SG Creative. I hope you all are doing great. मैं इस चैनल पे वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सिंपल तरह की बॉटल पेंटिंग आर्ट है जिसे आप में से कोई भी बना सकता है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हमें ग्लास बॉटल लेकर उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर उसके ऊपर सबसे पहले हम एक कोट जैसो का अप्लाई करेंगे. इस तरह से हमें बॉटल पर जैसो के दो कोट अप्लाई करने हैं. जैसो अप्लाई करने से नॉट ओनली योर पेंट विल सेट बेटर ऑन द प्राइम सरफेस बल्कि आपके जो कलर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो भी बहुत वाइब्रेंट दिखेंगे. तो अब हमने वाइट और ग्रीन के शेड्स लेके उनको मिक्स कर लिया है और हमने अपना कलर बना लिया है जो मुझे इस बॉटल पर करना है. मैंने यहाँ पे पिस्ता ग्रीन कलर बनाया है. मैंने इसके लिए ग्रीन, ब्लैक, वाइट, डार्क ग्रीन और पैरेट ग्रीन कलर का यूज़ किया है इस कलर को बनाने के लिए. आपको जो भी कलर पसंद है आप वही कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही कलर बनाया है. अब कलर बनाने के बाद मैंने बॉटल पे थोड़ी मार्किंग कर ली थी जो भी मुझे डिज़ाइन बॉटल बनाना था. मैंने इस बॉटल को ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर प्लेन पेंट करना है और जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है उस पर मुझे स्ट्राइप्स का पैटर्न देना है. तो मैंने ऊपर एक ये मास्किंग टेप मेजर करके उसको चिपका लिया है. अब हम बॉटम पे भी मास्किंग टेप चिपकाने के बाद इसमें नीचे स्ट्राइप्स का डिज़ाइन देने के लिए मास्किंग टेप अप्लाई करेंगे. तो मास्किंग टेप चिपकाने के बाद मैंने मेरा डिज़ाइन जो मुझे बनाना था वो रेडी हो गया है. अब हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे. कलर अप्लाई करने के लिए मैंने सेंटर में डैबर का इस्तेमाल किया है. सेंटर में कलर अप्लाई मैंने बहुत ही लाइट हैंड से किया है. मुझे बहुत ही हल्की सी शेडिंग देनी थी सेंटर में तो उसके लिए मैंने डैबर का यूज़ करके बहुत ही थोड़ा सा कलर लेके ड्राई कलर टेक्निक से इसको सेंटर में पेंट किया है. सेंटर में पेंट होने के बाद हम लोग बॉटम पार्ट और अपर पार्ट में बॉटल के पेंट करेंगे. उसको पेंट करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है. जब ऊपर नीचे पेंट हो जाए और पेंट जब सूख जाए तभी हमने टेप को रिमूव करना है. उससे पहले हमें टेप रिमूव नहीं करना. अगर हम पेंट सूखने से पहले ही टेप रिमूव कर देंगे तो हमारा पेंट ख़राब हो जाएगा और स्मज हो जाएगा ऊपर नीचे और क्लीन फिनिश नहीं आएगी जो हमें चाहिए और जिसके लिए हमने ये टेप अप्लाई किया है. तो जब कलर होने के बाद ये सूख जाए तो उसके बाद हम लोग टेप को रिमूव कर देंगे. टेप को रिमूव करने से पहले मुझे लगा कि सेंटर में हम थोड़ा सा और डिज़ाइन दे सकते हैं तो मैंने ये लीव्स ली हैं और लीव्स के ऊपर पेंट अप्लाई करके मैं इन लीव्स को लीव्स के इम्प्रेशन इस बॉटल पे दूंगी. तो अगर आप चाहें तो आप बॉटल पे कुछ भी पेंट भी कर सकते हैं अगर आप लीव्स से डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं. तो इससे हमारी बॉटल पे लीफ के इम्प्रेशन आ जाएंगे और इसके ऊपर ये इम्प्रेशन आने के बाद हम इन लीव्स को निकाल देंगे. देखो ये कितना सुंदर सा पैटर्न बन गया है हमारी बॉटल पे. तो मैंने लीव्स को पेंट करने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी स्टेम्स और ये थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर दी है. डिटेलिंग ऐड करने के बाद अब हम जो अपना जो हमने मास्किंग टेप लगाया था उसको हम निकालेंगे. निकालने के बाद मैंने ऊपर और थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करी है और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस बॉटल पे छोटी छोटी सी डिटेलिंग ऐड करके इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करी है. तो मैंने यहाँ पे कुछ थिन स्ट्राइप्स भी ऐड करी हैं. उसको हम डायरेक्टली ब्रश के साथ भी पेंट कर सकते हैं और अगर आप से स्ट्रेट लाइंस नहीं ड्रॉ होती है तो आप स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं. तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. कंप्लीट होने के बाद, ड्राई होने के बाद हम सारी जितनी भी मास्किंग टेप हमने इस बॉटल पे लगाई थी हम उसको रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद जहाँ पे हमने मास्किंग टेप अप्लाई करे थे वहाँ पे भी हम सेम कलर टेक्निक से इसके ऊपर भी कलर अप्लाई करेंगे. अब ये बॉटल कंप्लीट हो गई है. कंप्लीट ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर एक कोट वार्निश का अप्लाई करेंगे. वार्निश हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए. इससे हमारे जो भी हम डेकोरेटिव्स बनाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होती है और जब वार्निश सूख जाए तो
इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इस बॉटल को और कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं या आप इसको ऐसे ही सिंपल रखना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे कुछ लेस और जूट के टुकड़े लिए हैं और उसको बॉटल के टॉप पार्ट पे ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है, इससे और ये बॉटल और भी सुंदर दिखने लग गया है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेस की जगह आप इसके ऊपर पर्ल्स भी लगा सकते हैं और चाहे तो जूट रोप का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप थोड़े बहुत कुछ एलिमेंट्स ऐड करके आप अपने डेकोर आइटम्स को और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये लेस लगाने के बाद और भी कितना सुंदर दिखने लग गया है। तो इस तरह से कुछ छोटी मोटी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने डेकोरेटिव आइटम्स को और भी सुंदर बना सकते हैं और अपने घर में पड़े हुए कुछ वेस्ट मटेरियल को का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो अब ये हमारा बॉटल रेडी है डेकोर करने के लिए। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको कैसे डेकोर करना चाहते हैं। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू मेक दिस प्लीज़ डू शेयर द पिक्चर विद मी, आई वुड लव टू सी योर वर्क। आप ये पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज सैटी SG क्रिएटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।